उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट से ईडी ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की है और कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील है। 9 दिन में ईडी ने कुछ नहीं किया, सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कपिल सिब्बल का कहना है। कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील देखने को मिली, जहां पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 9 दिन में ईडी ने कुछ नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी है। कोर्ट से ईडी ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दलील दी है, उनका कहना है कि 9 दिन में ईडी ने अभी तक कुछ नहीं किया और सत्येंद्र जैन की बात अगर की जाए तो सत्येंद्र जैन जांच में लगातार सहयोग भी कर रहे हैं। तो कोर्ट से ईडी ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, आज सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी होगी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में? जी मैं आपको बता दूं, सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया गया है, उसके बाद ईडी ने 5 दिन की हिरासत और मांगे, क्योंकि ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़े गए सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ये भी आरोप लगा रही है करीबियों के घर से जो छापेमारी है, सोना बरामद हुआ है, उनके बारे में सत्येंद्र जैन कोई जानकारी नहीं दे रहे। इस कारण से उन्होंने ये इनका कहना है कि वो जो आरोपियों के घर से कैश और सोना बरामद किया गया है उनको सत्येंद्र जैन के सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। इसी को लेकर ईडी ने 5 दिन की हिरासत और मांगी है। चलिए भावना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।